बेड़ो प्रखंड के घाघरा पंचायत स्थित असरो डैम में 16 वर्षीय युवक के डूबने से पूरे प्रखंड में सनसनी फैल गई। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिली वे सब घटनास्थल पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक का शव को निकाले जाने का काफ़ी प्रयास की गई लेकिन सफलता नहीं मिली, तो NDRF की टीम को बुलाई गई। चश्मदीद की माने तो हाँ, ये असरो डैम है। इस डैम में कल एक घटना हुई है। यहाँ दोस्तों के साथ एक लड़का आया हुआ था स्नान करने के लिए और वो डूब गया है। प्रत्यक्ष दर्शी जो उसके साथ जो उसका दोस्त था, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये घटना कैसे हुई, कैसे हुआ बाबू ये? हम लोग नहाने आए, मतलब लगभग 3-4 बजे, 3:30 बजे घर पहुंचे। वहाँ से इटकी से आ रहे थे। अच्छा। 3:30 बजे घर पहुंचे, इटकी मतलब घर पहुंचे। उसके बाद फिर हम जाने वाले थे बेड़ो, कुछ काम था, क्या बोलते हैं, बैंक वाला काम था, तो उसके लिए मुझे जाना था वहाँ बेड़ो। तो फिर गाड़ी देखे घर में, तो गाड़ी नहीं था घर में। अच्छा। तो इसीलिए वो बोला कि मुझे नहाना भी है, ऐसा बोला वो। फिर वो बोला कि नहाना है बोला, इसलिए मैं भी बोला अच्छा चलो तब नहाना है तुमको, और बोल रहा है कि कपड़ा उपड़ा धोना भी है, तो कपड़ा गंदा था ना, तो फिर कपड़ा धोना है बोला, इसलिए अच्छा ठीक है, तो तुम कपड़ा उपड़ा धोना है तो चलो साथ में चलते हैं। फिर नहाने के लिए हम लोग आए यहाँ, लगभग 4 बजे यहाँ पहुंचे। फिर कपड़ा उपड़ा धोया। दो ही लड़का आया था? नहीं, हम लोग और थे। कितना लड़का था? 6 लड़का था। 6 लड़का था साथ में। अच्छा। जब घटना की जानकारी जनप्रतिनिधियों को मिला तो घटनास्थल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सर जरूरी है, कहे कि इतना बड़ा पारस जलाशय है, इसमें काफी लोग यहाँ नहाने के लिए आते हैं, बहुत ऐसा है मछुआरे लोग भी आते हैं, इसलिए कोई भी अगर आपातकालीन अगर कोई तरह का अगर पानी में घटना अगर होती है, इसके लिए सरकार की जो इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा जब पारस जलाशय है तो इसमें जो जनता के मन बचाव के लिए तो यहाँ अति आवश्यकता है। कहे कि ये नहीं है कितनी बार घटना हो रही है लेकिन कम गहराई में डूबने के चलते चलो हम लोग ग्रामीण जनता मिलकर आज हम लोग का घाघरा पंचायत पता है। अच्छा। मीठा पंचायत मुखिया है। अच्छा। हमारे घाघरा पंचायत के मुखिया जब जानकारी दी तो हम NDRF का नंबर दिए। अच्छा। और जानकारी लेकर हम CO सर को मतलब अवगत कराए और सर ने भी मतलब अवगत करा कर है ना ये NDRF टीम को बुलाकर आज मतलब कि यहाँ तक हमारा काम हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। हमारे CO सर है, हमारे काफी सहयोगी हुए और हमारे मुखिया जी हमको मतलब ये ट्रेनर काका जी है वो जानकारी दिए, तो हम तुरंत मतलब CO सर को जानकारी दिए, क्योंकि आज हमारे मतलब ये मृतक जो है आर्यन का जो है। जब घटना की जानकारी बेड़ो थाना को मिली तो घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। सूचना मिली थी कि एक लड़का को नहाने के दौरान डूब गया है। अच्छा। और लाश अभी तक नहीं मिली है। ग्रामीण के बाद कल रात तक लाश नहीं मिली थी, आज गोताखोर टीम रांची से आई जिसके द्वारा लाश निकाला गया है। NDRF की टीम ने काफी मशक्कत कर सबको बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। हम लोगों को तो ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि डेड बॉडी को कैसे निकाला जाए, लेकिन फिर भी यहाँ जो कठिनाई सामने आ रही थी, एक तो बहुत ही कड़ी धूप थी जो कि चिलचिलाती जो कि एकदम बदन को जला देती, और दूसरा नंबर ये कि डैम का इलाका और एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था कि किस जगह डूबा था, और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होने की वजह से लगभग 2.5-3 घंटा समय लगा। अच्छा अच्छा। आप क्या आया था? वहीं परिजनों की माने तो युवक दिल्ली से शादी में शरीक होने आया था और घटना के बाद परिवार और परिजनों में शोकाकुल है। पेश है हमारे संवाददाता मनीष कुमार के साथ सहयोगी राजकिशोर की रिपोर्ट।